पेट्रोल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेट्रोल इंजन वर्किंग प्रिंसिपल। इंजन को गाड़ी का धड़कन कहा जाता है। बिना इंजन के कोई भी व्हीकल मूव नहीं कर सकता। ज़्यादातर दो प्रकार के इंजन उपयोग आज के समय में व्हीकल में किया जाता है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक में हम पेट्रोल इंजन के कार्य सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पेट्रोल इंजन का सिद्धांत क्या है और किस प्रिंसिपल पर पेट्रोल इंजन कार्य करता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। पेट्रोल इंजन क्या है? पेट्रोल इंजन को ऐसे इंजन मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन कहा जाता है। पेट्रोल इंजन इंटरनल कंबशन इंजन का एक प्रकार है, जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फ्यूल पेट्रोल और हवा का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले पेट्रोल इंजन का आविष्कार निकोलस ऑगस्ट ऑटो द्वारा 1876 में किया गया था। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सिलेंडर चैम्बर के अंदर पेट्रोल और हवा के मिश्रण को जलाने के लिए स्पार्क प्लग की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की कार्यप्रणाली लगभग 90% समान होती है। चलिए जानते हैं पेट्रोल इंजन की कार्यप्रणाली। सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में इंजन का पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। इसी के साथ इनलेट वाल्व ओपन होता है और फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर पिस्टन द्वारा खींचा जाता है। सक्शन स्ट्रोक के समय इनलेट वाल्व ओपन रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। सक्शन स्ट्रोक खत्म होने के बाद पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट करता है और एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है। इस दौरान इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही बंद रहते हैं। कंप्रेसर स्ट्रोक के दौरान एयर फ्यूल मिक्सचर का टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद स्पार्क प्लग की मदद से स्पार्क करके सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट किया जाता है, जिससे पावर स्ट्रोक शुरू होता है। पावर स्ट्रोक के समय पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करता है और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होने के कारण क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है, जिससे इंजन को पावर मिलती है। इसलिए ऐसे पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ता है, मतलब टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। आउटलेट वाल्व खोलता है और सिलेंडर चैम्बर से बेकार गैसों को बाहर छोड़ता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा करने के बाद पिस्टन फिर से नीचे चला जाता है और फिर से पहले स्ट्रोक से साइकिल शुरू होती है।